अब जो आप पहले तो मैं आपको, जो मेरे से पहले भी स्पीकर थे उन्होंने भी आपको बताया, और इनफैक्ट ये पिछले एक साल से जो हम काफी प्रोग्राम्स कर चुके हैं उसमें आप सब, और पर्टिकुलरली मेरा यहाँ कहना है, जो सागरा की या मनकोट की आवाम बैठी है यहाँ, उनसे ये मुतालबा है कि आप सब अब तो जान चुके होंगे कि ये एस्पिरेशनल ब्लॉक क्या चीज है। यहाँ कहीं कुछ खड़ा कर देने से किसी इलाके की तरक्की नहीं होती। तरक्की के मायने ये है कि हर एक बाशिंदा एक डिसेंट किस्म की, एक बेहतर किस्म की जिंदगी जिए, यानी उसे जो सहूलियत, उसे जो सर्विस चाहिए, जो उसके हेल्थ सेफ्टी और न्यूट्रिशन उसके रिलेटेड जो उसे सर्विसेज चाहिए वो उसे मुहैया हो रही है। यानी तो इसलिए फोकस है, जैसे ये बच्चा जच्चा सेवाओं पे या कुछ आंगनवाड़ी सेवाओं पे, इसलिए इस बार इन पे फोकस रखा गया है। और सैचुरेशन के मायने कि कोई भी शख्स छूट नहीं जाए, एक से हर एक शख्स इसमें जो भी उस स्कीम के लिए एलिजिबल है उसे कवर किया गया है। आज हमने यहाँ नारी सम्मेलन क्यों रखा, क्योंकि औरतें और बच्चे एक ये ऐसे ग्रुप हैं जो तरक्की से महरूम रह जाते हैं, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। ज्यादातर ग्राम सभा में भी जो लोग, जो मर्द होते हैं, वो जाके कुछ कुछ रखवा देंगे, पर औरतें और बच्चों के मुतल्लिक जो जरूरत की चीजें हैं उनका कौन सोचेगा। इसीलिए ये नारी सम्मेलन हमने रखा, और मैं देख रहा हूँ कि सारी आंगनवाड़ी वर्कर, संगीनी और आशा वर्कर भी मौजूद है यहाँ पे। आप सब को यहाँ बुलाने का एक तो मकसद ये था कि हम आपको थोड़ा आमने सामने देख के पहचान कर लें कि आप हमारे इस ब्लॉक के फुट सोल्जर हैं। आप ही के जरिए हम पूरे मनकोट ब्लॉक के घर घर तक पहुंच सकते हैं, हर एक घर में हम अपना अपनी छाप छोड़ सके। इस जो संपूर्णता अभियान के पैरामीटर्स हैं उनके मुतालिक जो काम करना है वो हर घर पहुंचना चाहिए। एस्पिरेशनल ब्लॉक मनकोट में आज संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। ये 3 महीने लंबा प्रोग्राम है और आज उसका आगाज हुआ है। इसके तहत 40 में से 6 पैरामीटर्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है, और कोशिश रहेगी कि ये सारे पैरामीटर्स हम सैचुरेट करें। ठीक है, चल।